अवसर पर मैं बनकटवा अस्पताल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी चिकित्सक, खासकर डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर विजय, यूनिसेफ केयर के प्रतिनिधि और सभी अपनी जीएनएम एएनएम बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बनकटवा जहां एक भी नगर पंचायत नहीं है, केवल ग्रामीण क्षेत्र है पूरा प्रखंड, और इसके दसों पंचायत के सभी गांवों में जो उन्होंने पूर्ण टीकाकरण का काम किया है, यह देश के लिए एक उदाहरण है। और यह भी उदाहरण है कि अगर डॉक्टर, नर्सेज और जनप्रतिनिधि, पंचायत के जनप्रतिनिधि और खास मेरे पार्टी के कार्यकर्ता सब मिलकर अगर सम्मिलित प्रयास करें तो हम हर गांव को 100% टीकाकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पुनः बनकटवा को बहुत बहुत बधाई। तेजस्वी ने टीकाकरण न लेने का बात कहते कहते दोनों भाई लालू के लाल ने टीका ले लिया था। देखिए, एक तो टीका नहीं लेना सामाजिक अपराध है, उससे भी दुखद बात यह है कि भारत के कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके पर पूरा दुनिया भरोसा कर रहा है। कोविशील्ड आज WHO से रिकॉग्नाइज केवल 3 वैक्सीन में से एक है, और कोवैक्सीन का भी अप्रूवल का फाइनल हो चुका है WHO से। लेकिन इन दोनों ने एक विदेशी टीका ले करके यह साबित कर दिया है कि भारत के वैज्ञानिकों, भारत के डॉक्टरों और भारत के जनता के पैसे से बने हुए वैक्सीन पर इनको भरोसा नहीं है, और यह बहुत दुखद स्थिति है। राहुल जी शायद जैसे हमारे जो विरोधी दल के नेता हैं वह रूस के वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे, राहुल जी इटली के किसी वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इटली का वैक्सीन अभी दूर दूर आने की कोई संभावना नहीं है। ABP News आपको रखे आगे।